हम जीत जाएंगे आर्यन, जीत जाएंगे। क्या यार, एक भी पिक्चर नहीं मिली। पिक्चर मिलती तो कल की हेडलाइन बन जाती। दुर्गा, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। आज सुबह मैं मंदिर गई थी ना, तो वहां से मैं तुम्हारे लिए ये लाई हूँ, माँ का सिंदूर। चलो चलो, बहुत हो गया, चलो। ये कैसी आंधी आई है दुर्गा की जिंदगी में? नसीब तो साथ छोड़ ही चुका है, अब लगता है दुर्भाग्य से सुहाग भी छूट गया। दुर्गा, मेरी जिंदगी में जो तूफान तुम लेकर आई हो, उसकी वजह से मेरा तो सब कुछ तहस नहस हो गया। पर यह मत समझना कि हवाओं के थम जाने से मौसम बदल जाएगा। मेरे अंदर जो लावा चल रहा है वो कभी नहीं पिघलेगा दुर्गा, कभी नहीं पिघलेगा। और एक न एक दिन तुम्हें वो जलाकर राख कर देगा। क्यों किया तुमने ऐसा? आखिर क्यों? क्या बिगाड़ा था प्रभात ने तुम्हारा? उन्होंने आकर तुम्हारे बिगड़े हुए बिजनेस को संभाला था और बदले में तुमने क्या दिया? मौत। ये कर्ज तुम्हें चुकाना पड़ेगा दुर्गा। हाँ, ये कर्ज तुम्हें चुकाना पड़ेगा, ये कर्ज तुम्हें चुकाना पड़ेगा, तुम्हें चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा, चुकाना पड़ेगा। मैं गीता पर हाथ रखकर कहती हूँ, जो कुछ भी कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। मैंने अभी अभी 25 जुलाई की रात को हुई वारदात को अदालत के सामने पेश किया है, जिनके तहत प्रभात मुखर्जी की हत्या की गई। लेकिन मिसेस दुर्गा राज सिंह, अदालत खुद आपके मुंह से वो कहानी सुनने के लिए बेताब है। क्या आप इस अदालत को बताएंगे कि उस रात वाकई में हुआ क्या था? उस रात मैं मालशेज वाले घर की ओर निकली। रात काफी हो गई थी और मैं जीजू और खुशी के लिए डर रही थी। धीरे धीरे मेरी चिंता बढ़ती गई और मैंने वॉचमैन को आवाज देना शुरू कर दिया। अरे वॉचमैन, कहाँ बाबा?
वॉचमैन वॉचमैन की लाश देखकर मेरे तो होश ही उड़ गए। डर के मारे मैं गाड़ी लेकर वहां से भाग निकली मार्शेज वाले घर की ओर। वहां मैंने एक भागते हुए आदमी की परछाई देखी और सामने देखा खुशी पड़ी हुई थी रास्ते पर। मैंने खुशी को गाड़ी में रखा और उस घने कोहरे में से निकलने की कोशिश की, लेकिन वो आदमी खंजर लेकर हमारे पीछे पड़ा हुआ था। गाड़ी को बचाते बचाते वो गाड़ी के सामने कब आ गया मुझे पता ही नहीं चला। जब मुझे होश आया तो मैंने देखा सामने उसकी लाश पड़ी थी। फिर मैंने उसका चेहरा देखा, वो प्रभात मुखर्जी था। बस खैर चलिए, हम लोग मौका है वारदात से कुछ कदम पीछे आते हैं। आपने अभी अभी कहा कि कत्ल के कुछ देर पहले आपने खुशी को बेहोशी की हालत में गाड़ी में रखा है ना? जी। आई सी। तो एक बात बताइए, जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ वो उस वक्त भी बेहोश थी या वाकया उसने अपनी आंखों से देखा? क्या हुआ अगर कानून के खिलाफ जाने के लिए मुझे सजा दे दे? तुम्हें बचाने के लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ ना, सब सच कह दूंगी मैं कोर्ट में। बताइए मिसेस दुर्गाराज से, क्या एक्सीडेंट के वक्त खुशी अपने होश आवाज में थी? क्या उसने वो सब कुछ अपनी आंखों से देखा? दुर्गा क्यों नहीं बता रही कि तुम उस वक्त बेहोश नहीं थी, कि तुमने सब कुछ अपनी आंखों से देखा था? वो चुप क्यों है? कम ऑन दुर्गा, से यस नहीं। खुशी बेहोश थी, उसने कुछ नहीं देखा। ऑर्डर ऑर्डर। ओके, मेरे हिसाब से उस एक्सीडेंट को किसी ने भी अपनी आंखों से नहीं देखा सिवाय आप, ठीक है ना? जी हाँ। मिसेस दुर्गा राज सिंह, होता है होता है, इस तरह का एक्सीडेंट किसी के साथ भी हो सकता है, कभी भीड़ भाड़ में, ट्रैफिक में, कभी घनघोर अंधेरे में। मैं समझ रहा, लेकिन जो बात मैं समझ नहीं रहा हूं वो है प्रभात मुखर्जी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में साफ लिखा है कि प्रभात मुखर्जी की मौत कार एक्सीडेंट से नहीं हुई है, उसकी मौत हुई है छुरा घोंपने से। योर ऑनर, प्रभात मुखर्जी के शरीर पर 7 घाव के निशान मिले हैं, 7 घाव, और जिनसे उनकी मौत हुई। मिसेस दुर्गाराज सिंह, इस अदालत में अभी अभी दिए गए आपका बयान के मुताबिक 25 जुलाई की रात को आप अकेली शख्स थी जो पूरे होश हवास में थी। प्रभात मुखर्जी के शरीर पर पाए गए छुरे के निशान को आप किस तरह से सही ठहराएंगी? क्या बात है दुर्गा जी, आप इतनी हैरानी में पड़ गई? कहीं आप ये जताने की कोशिश तो नहीं कर रही कि आप इस सिलसिले में कुछ नहीं जानती? देखिए, मुझे मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम, ये सब मैंने नहीं किया है। दुर्गा जी, वो तो हम बहुत जल्द पता लगा लेंगे,
आप पहले ये बताइए कि जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ तो क्या वो आदमी सीधा खड़ा हुआ था? मेरा मतलब है कि क्या वो जिंदा था? जी तो जिंदा था, इसका मतलब ये हुआ कि एक्सीडेंट के समय वो जिंदा था और उसके बाद वो वहीं रहा। यानी कि ये काम और कौन कर सकता है आपके सिवाय? वकील साहब, ये सच नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। योर ऑनर, उस चाकू पर मिसेज दुर्गा राज सिंह की उंगलियों के निशान पाए गए जिससे प्रभात मुखर्जी की हत्या की गई। ये कैसे हो सकता है? ऐसा हो ही। विलॉर्ड, मैं अपने अगले गवाह को सबूत के तौर पर अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। एक मिनट, अभी अभी आपने कुछ कहा, आप कुछ कहना चाह रही थी शायद, ऐसा कि ऐसा कैसे हो सकता है या इसी तरह का कुछ, शायद आपको कुछ याद आ रहा है। कहिए ना, शायद आपको याद आ गया हो कि प्रभात मुखर्जी की गाड़ी से एक्सीडेंट करने के साथ साथ आपने उस पर चाकू से भी वार किया। आप क्यों कहेंगे, बोलिए बोलिए, आपको प्रभात मुखर्जी पर चाकू से वार करने की क्या जरूरत पड़ गई थी? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? क्या था, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि वो एक हादसा था, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि वो गाड़ी के सामने कब आया, मैं तो ये भी नहीं जानती थी कि वो कौन है। अगर आप मेरा विश्वास नहीं करते तो आप खुद ही तो पूछ। खुशी से? लेकिन अभी अभी तो आपने बताया कि खुशी बेहोश थी। विराट, मैं अपने दूसरे अहम गवाह अदालत में पेश करने की इजाजत चाहता हूं। जज साहब, 25 जुलाई की रात वो बहुत घबराई हुई सी लग रही थी। जब कोई व्यक्ति बहुत बड़ा गुनाह करता है तब वो सहमा हुआ होता है। वो किसी भी बात का साफ जवाब नहीं दे रही। ये उस रात मंदिर से बिना बताए ही गायब हो गई और जब हमने इन्हें पुरानी हवेली के पास देखा तब ये लाश को छुपाने की कोशिश कर रही थी। दुर्गा को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि प्रभात उसका पार्टनर बने। शायद उसे लगता था कि प्रॉफिट घर के बाहर चला जाएगा। और जब एक बार हम अपने नए प्रोजेक्ट के प्लान के बारे में डिस्कस कर रहे थे तो दुर्गा ही थी जो वहां पर नहीं थी। मिस्टर आर्यन, क्या आप हमें बताएंगे कि आप क्या काम करते हैं? जी, मैं एक डॉक्टर हूँ। डॉक्टर? लेकिन अभी अभी हमने सुना कि आपने मालशेष प्रोजेक्ट में भी काफी इन्वेस्ट किया है। जी हाँ, ये मेरा पहला मौका था। एक्चुअली मेरे फैमिली मेंबर्स काफी टाइम से चाह रहे थे कि मैं फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व हूँ। तब तो आपके लिए काफी मायने रखता होगा कि आप इस प्रोजेक्ट के अंदर कामयाब हो। जी हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं। और पैसे के मामले में भी काफी मायने रखता होगा। ऑब्जेक्शन यू ऑनर, मेरे काबिल दोस्त अदालत को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। इस सवाल का इस केस से कोई लेना देना ही नहीं। ऑब्जेक्शन ओवर रूल्ड। थैंक यू विलास। हाँ तो क्या काफी पैसा इन्वेस्ट कर दिया था आपने? जी हाँ। क्या मैं पूछ सकता हूँ कितने? जितना मेरी पत्नी ने और मैंने आज तक सेव किया था। अब तक सेव किया था? स्टारियन, आपको डर नहीं लगता अगर ये पैसा डूब जाए तो आप क्या करेंगे? जी नहीं, मुझे मेरे चाचा पर पूरा भरोसा है और मैं जानता हूं कि उनके होते हुए ये पैसा कभी नहीं डूब सकता। चलिए, तो अच्छी बात। और आपकी पत्नी भी यही सोचती है इस बारे में? मेरी पत्नी को भी
चाचा पे पूरा भरोसा है। आपकी उनसे इस सिलसिले में बात तो होती होगी? हाँ, अक्सर होती थी। सारे ना आप याद करके हमें बताएंगे कि इस सिलसिले में आपकी आपकी पत्नी के साथ आखिरी बार क्या बात हुई? आर्यन, एक बार ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाए तो हमारे पास पैसों की कमी नहीं रहेगी। हम बहुत अमीर हो जाएंगे, है ना? फिर तुम्हें हॉस्पिटल में इतनी मेहनत करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। हम इकट्ठे छुट्टियों के लिए बाहर भी जा सकेंगे। रिलैक्स दुर्गा, होल्ड ऑन। अभी तो मैंने प्रोजेक्ट में पैसा पहली बार लगाया। पहले इसका रिजल्ट आने दो, फिर देखते हैं आगे क्या होता है। मुझे पूरा विश्वास है जो भी होगा अच्छा ही होगा। और फिर जीजू भी तो है तुम्हारे साथ, तुम्हें गाइड करने के लिए। कोई गड़बड़ी हो ही नहीं सकती। मैं तो अभी से देख रही हूँ कि तुम इस प्रोजेक्ट में खूब सारा प्रॉफिट बना रहे हो। दुर्गा, मेरे ख्याल से हमें थोड़ा सब्र करना चाहिए। ये सब इतना आसान नहीं है। और रहा सवाल प्रॉफिट्स का, एक बार प्रॉफिट्स आने शुरू हुए तो उन्हें कंपनी में फिर से रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि कंपनी स्ट्रांग बने, मजबूत बने, और उसके बाद जो कुछ बचा वो हम पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। लेकिन ये बात तो तुम जानती हो कि हम तीन पार्टनर्स हैं जिसमें से सबसे थोड़ा हिस्सा मेरा है। और फिर बिजनेस घर का घर ही में तो है नहीं, उसमें बाहर का भी हिस्सा है। तीन पार्टनर्स, आर्यन कितना अच्छा होता ना अगर दो ही पार्टनर्स होते। आई मीन टू से, इससे बिजनेस घर का घर में ही रहता, है ना? हाँ दुर्गा, अगर ऐसा होता तो। अभी तो ऐसा नहीं है। कोई बात नहीं है, अगर आज ऐसा नहीं है कल तो हो सकता है ना। एक बार तुम्हें बिजनेस की पूरी समझ आ जाए तो आगे जाकर किसी बाहर के पार्टनर की जरूरत नहीं पड़ेगी। वाह, इसे कहते हैं शेख चिल्ली के हसीन ख्वाब। अभी मैंने काम शुरू भी नहीं किया और तुम मुझे अभी से फैमिली बिजनेस को हेड करते हुए देखने लग गई। तो इसमें बुराई क्या है? अगर दिल से कोई इरादा कर लो तो बड़ी सी बड़ी मंजिल भी दूर नहीं लगती। क्या पता आज बिजनेस का सबसे छोटा पार्टनर कल बिजनेस का हेड बन जाए। ओह, बिजनेस का हेड बन जाओ, सही है ना? मिस्टर आर्यन, आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि आपकी पत्नी दुर्गा आपको बिजनेस का मालिक बने हुए देखना चाहती है? और कुछ ही समय में बस आपने बिजनेस में तरक्की तो कर ही ली। मेहरबानी हो आपके पार्टनर प्रभात के रुखसत होने की। वकील साहब, आप सबका गलत मतलब निकाल रहे हैं। देखिए, दुर्गा और मैं आपस में बैठकर सिर्फ मजाक कर रहे थे। वो सिर्फ मेरा हौसला बढ़ाने की कोशिश कर रही थी और कुछ नहीं। एक मिनट, अदालत कोई एक बात समझेगा, या तो आपकी पत्नी आपके साथ मजाक कर रही थी या आपका हौसला बढ़ा रही थी, और या ये उनके खतरनाक इरादों की शुरुआत थी। अपने तीसरे पार्टनर को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटाने का इरादा